सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया भाई चांद से अपना चंद्रयान। वाह यार क्या एपिक मोमेंट है। हो गया भाई लैंड हो गया भाई। वेरी हम तो पहुंच जाओ चाहे सूर्य तो पहुंच जाओ। हम तो यहाँ पे ना प्याज काटते हुए और आटा गूंथते हुए नजर आ रहा है। ये जुगाड़ वाला पांडा, जुगाड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखो ये बारिश आ रही है फिर से। वाह यार सुबह सुबह उठ के क्या मूड है। ये देखो ये सफाइयाँ भी चल रही हैं। ये तो खैर डेली करते हैं बट बेचारे आज मतलब बारिश में भी कर रहे हैं यार। गजब काम चल रहा है यहाँ पे ना नीचे का। पेट्रोल तो बिल्कुल चिपा ही हो गया ये वाला। तो ये टाइम देखो क्या हो रहा है। और ये टाइम है जब हमारे इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होने में बस कुछ ही मिनट बाकी है। तो वही चल रहा है। 191 दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया भाई चांद से अपना चंद्रयान। वाह यार क्या एपिक मोमेंट है। आपने चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। होने वाला है बस। अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause. We are so close, yaar. We are so close. But, till now, the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters. And we are nearing and approaching the lunar surface. Ki height se bhi kam aa chuke hain. 200 meter se bhi kam pe hai, yaar. Ab to bas aa hi gaya almost. अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह। देख सकते हैं कि हम आप लैंडिंग मोड हो गया। भाई लैंड हो गया भाई। वेरी कांग्रेचुलेशंस एवरीवन भाई। बहुत ही एपिक मोमेंट है सही में यार। झंडा हो गया भाई साहब। मजेदार यार बहुत ही बढ़िया। फिर कैसा फील हो रहा है चांद पे पहुंच गए हम। चांद पे पहुंच जाओ चाहे सूर्य पे पहुंच जाओ। हम तो यहाँ पे ना प्याज काटते हुए और आटा गूंथते हुए प्याज ही काटने और हमें दाल ही बनानी है। हमारे यही चांद और ये हरियाली फर्ज है। फर्ज है जिन जो जो फीमेल्स इसमें इन्वॉल्व थी चांद पे पहुंचाने के लिए जो साइंटिस्ट फीमेल साइंटिस्ट वो भी घर जाके प्याज ही काटेंगे। तो ये तो जो है फैक्ट है। घर का काम तो कोई भी है करेंगे करेंगे। सही बात है। जितना गुस्सा है ना जितना गुस्सा है सब निकाल दो। तो जी आज है प्रोग्राम शाही पनीर का। तो शाही पनीर है अभी। काजू वाली ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी सौते हो रही है उसके बाद बनाएंगे जी। ये देखो जी क्या वेलवेट ग्रेवी तैयार हुई है एकदम। अब इसमें अगर चिकन डाल दिया तो बटर चिकन, पनीर डाल दिया तो शाही पनीर। यही है जी इसकी कहानी। एकदम वेलवेट है। कलाकारी देख रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बाजार से आया है। बहुत ही बढ़िया यार मजा आ गया। The next day. Hey, good morning, guys. Welcome back to my channel for a change. मैं हूँ रुचिर। सुबह का टाइम, नाश्ता on the plate. ये है जी जुगाड़ वाला परांठा। जुगाड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जैसे बनता है ना
ये शाम को मम्मी से ही पूछवाऊंगा आपको। तो क्या है ना, ऑफिस का इतना काम था कि लंच भी रह गया, आप सोच सकते हो। ठीक है, लंच रह गया तो शाम को अभी ये बना लिया। ठीक है, सो अभी ये खाते हैं, बालकनी में चलते हैं, मौसम थोड़ा सा आजकल ठीक है तो नज़ारे लेते हैं थोड़े बाहर के। शाम का टाइम है, सुनहरा मौसम है, साथ में भेलपूड़ी। ये देखो बादल बादल कैसे आ चुके हैं, काले एकदम, आएगी बारिश फॉर श्योर। सही है। अच्छा सुनो, एक बात तो बता दो सबको। क्या? वो जुगाड़ वाले पराठे बनते कैसे हैं? जुगाड़ वाले पराठे वो क्या होते हैं? वही जो आवाज बना के गए थे सुबह। ओ, जिनको जिनको आप बड़ा क्लासी सा टर्म दे देते हो, मिस्सी रोटी की। भाई मिस्सी रोटी होती है, मिस्सी रोटी होती है, कुछ नहीं होती मिस्सी रोटी। तरह तरह के आटे मिक्स होते हैं उसमें, तो इसमें क्या आटे क्या सब्जियां जितनी है, दालें दुले बची हुई सब मिक्स कर करा के उसका आटा गूंथ दिया अच्छे से। जुगाड़ वाला पराठा है वो, इसमें सारी सब्जियां दाल मैश करी। ओरिजिनल मिस्सी रोटी कैसे बनती है? नहीं नहीं मेरी बात सुन, मैंने जो बनाई उसमें सब्जियां दाल जो भी बची थी सब मैश कर दी अच्छे से, प्याज हरी मिर्च खूब सारी काट दी, बेसन डाला थोड़ा सा और बाकी आटे में नमक मिर्च मसाला अजवाइन डाल के भून दी, उसमें क्या खराब है? खराब तो क्या, लेकिन अच्छे लगते तुझे? कोई नहीं अच्छे लगते, कोई नहीं अच्छे लगते। मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं, मेरी तो इच्छा नहीं, मैं रात को भी वही बना के खा लूँ। हे भगवान भाई, वो है जुगाड़ वाला पराठा, पर अच्छा लगता है, प्लेन से तो बहुत बेटर लगता है, बची हुई सब दाल वाल सब उसमें यूटिलाइज भी हो जाती है, और वो है कि इसी बहाने जो सब्जियां तुम नहीं खाते ना तुम्हारे अंदर चली जाती है। अगेन आई हैव लैंडेड इनटू अ सिचुएशन जहां पे मैं सोच रहा हूं कि कुछ खाना है बाहर से, बट क्या खाना है। तो आधा घंटा ऑलरेडी हो गया है स्क्रॉल करते करते, बाकी अभी मुझे लगता है एंड आई एम श्योर कि अभी आधे से ज्यादा घंटा मुझे लगेगा, है ना भाई? आपका क्या कहना है इस पे? बाहर का तो खाना नहीं था ना। हम्म, बाहर का तो आपने खाना नहीं था। क्यों नहीं खाना था? खाना घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना है। क्यों, ऐसा कब डिसाइड हुआ? क्यों डिसाइड, ऑलमोस्ट हो ही गया था कि बाहर का कम करा करेंगे, रोज ही बहुत हो जाता है। जब शाम को तुमसे कुछ स्नैक्स पूछते थे लेकर आए क्या, तुमने कहा बट हेल्दी में खा रहा हूं ना मैं तो। और तुम एक बात सुनो, सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद सारा दिन कुछ खाओगे नहीं तो इस टाइम भूख तो लगेगी, टाइम ही नहीं मिला खाने का। पेट में चूहे क्या, बिल्ली भी कूदेगी थोड़ी देर में। सही बता रही, दिन भर कुछ नहीं खाया तो फिर बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ फिर? यही तो अब हो रहा है, ये अब हो रहा है कि मतलब कोई तरीका थोड़ी है खाना, मैं सुबह सुबह बना के गई तो क्यों बना के गई फिर मैं, मुझे अफसोस होता है। अब वही फुलके खाओ बैठो, कोई नहीं। ये देखो तुरई, तुरई का हाल, ये नेग्लिजेंसी है सब्जियों की तरफ जो घर में पड़ी रहती है और आप सोचते हो बना लेंगे। तुम खाते हो जो बना लेंगे, बननी बननी। देखिए ये दिस इज प्योर नेग्लिजेंस। फिर इसमें चाकू, अरे मुझे क्या पता, मैं कोई क्या चाकू का डीलर हूँ? तो टैलेंट देख रहे हो जो अभी दिखाई थी, नहीं उसमें से काट के फिर भी निकाल के सही निकाल के बनाई थी, खाने की इच्छा हो रही थी बहुत, पता है बट वो सही थी। हाँ, तो जितनी खराब थी वो आधी फेंक दी, तीन तुरई में तो थोड़ा थोड़ा सा उधर साइड में वो आ गई थी, वो फेंक दी आधी, काट के बाकी तो सही है भाई, सही है, सारी खराब थोड़ी ना। टैलेंट सही है, आपने इस बहाने आपने पैसे भी बचाए, मेरे टायर भी आ जाएंगे। तुरई से टी फॉर तुरई, टी फॉर टायर, पर टायर नहीं, आपके मुंह से भी निकला टायर। चलो सही है, इच्छा हो जाएगी पूरी आपकी। यार ये देखने में तो बड़ी मस्त लग रही है सब्जी, है भाई? अच्छी होती है हमारे को, साक्षी मेरे लिए। अच्छा, टेस्ट कर सकते हो। तो जी आज बनवा लिया स्पेशल तंदूरी रोटी घर में, क्योंकि अपना मटन थोड़ा सा आ गया।